की कॉम्प्लेंट्स जो होते हैं डबल लुक वाला पर्सन जो मिलते हैं ना मुझे, यानी मुझे ऐसा लगता है डबल लुक में भी बहुत सारे तीन टाइप्स आते हैं उसमें। तो डबल लुक के जो लोग होते हैं उनको मेरे जो रिजल्ट्स है जो आज तक आए डबल लुक के बारे में थोड़े से कम आए, यानी बहुत अच्छी तरह से मैं 3-4 बार, क्योंकि 1 महीना मैं वो कॉन्टेक्ट में रहता हूँ तो आ जाते हैं रिजल्ट, लेकिन कई कई रिजल्ट नहीं आ रहे डबल लुक के लोगों के लिए। रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। नेचर के जैसे कि एक नेचर होता है, तो पर्सनैलिटी होती है डबल लुक की, तो उसमें ये जो बंदा होता है थोड़ा कंफ्यूजन होता है एनालिसिस के बारे में, और कोई क्रिटिकल थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग उनका होता है, तो वो प्रैक्टिस करते हैं, हम जो बोलते हैं कि वो ऐसे ऐसा करके आप आगे जाइए, कभी भी बार बार वो गलती उससे होती है सामने वाले से, तो एग्जैक्टली उसको ऐसा क्या इजीली दे जाए कि वहां से वो शिफ्ट हो सके जल्द से जल्द। तो थोड़ा कॉम्प्लेंट नेचर के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आवाज कट डबल रही लुक थी, थोड़ी सी जो आवाज होता कट है। रही थी, लेकिन लेकिन मैंने जो आपकी बात जो मुझे समझ में आई सतीश जी, कि डबल लुक वाले को हम कुछ बताते हाँ हैं, कुछ सिखाते हैं, लेकिन लेकिन राइट फिर भी वो बार बार वही गलतियां करता है, ऐसा आप बोल रहे हैं। ठीक राइट 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 सीधे है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, इस तरह से। नहीं होते वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बंदा है ना, और दोनों साइड से सोचता है, इसके लिए एक बार बराबर है, दूसरी बार वो बोलता है कि डबल जाने के ऐसा नहीं होता है, ऐसे चलता है। लुक में क्या होता है पता है सतीश जी, जब जब डबल लुक वाले हाँ को किसी के साथ जब बात करते हैं ना, आधा घंटा हम बात करते हैं, कोई टॉपिक पूरा हम समझाते हैं, पूरी तरह से कन्विंस करते हैं, और वो भी कन्विंस हो जाता है कि नहीं, ये आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे, करना चाहिए ना। डबल लुक वाले मतलब इंटेलेक्ट का लेवल उनका अच्छा होता है, उन लोगों को सब पता होता है, राइट बातें साइड भी समझ में आती है, लॉजिकल जो हम बोलते हैं उससे एग्री भी हो जाते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद जैसे ही वो मतलब बात खत्म होती है ना, वो फिर से जहां बात शुरू की होती है ना, वहां से वो फिर से वो क्वेश्चन बात स्टार्ट करते हैं ना, डबल लूप वाले ऐसे होते हैं। तो राइट राइट मतलब काउंसिलर का पेशेंस पूरी तरह से वहां पे चेक होता है डबल लूप वालों के साथ, यस और वो बार बार राइट वही गलतियां रिपीट करते हैं, क्योंकि डबल राइट लुक वाले सरेंडर नहीं कर पाते। डबल लुक वालों का प्रॉब्लम क्या है कि वो 100% सरेंडर नहीं कर पाते, एक अंदर डाउट बना रहता है, ट्रस्ट का लेवल कम रहता है, और इसी वजह से वो सरेंडर करके फॉलो नहीं कर पाते हैं, और 100% हमारी बात को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नहीं कहीं ना कहीं डाउट बना हुआ है, ट्रस्ट का लेवल होगा उनका कम है, दूसरे लोगों का जो है उससे उनका कंपैरिजन में कम है, और इसी इसी वजह से हमने समझाया, तब तक तो हमारे पास थे, तब तब तक ठीक था कि उनको ट्रस्ट भी आ गया, समझ में भी आ गया, एग्री भी हो गए, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकले उनका फिर से वही पुराने थॉट उनके कंटिन्यू हो गए, फिर से डाउट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिर से उनका ट्रस्ट का लेवल कम हो गया, तो हमारी बात इस तरह इसी वजह से वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और फिर वो पुराने सिस्टम से वो फिर से काम करने लगे, और फिर हमारे पास आए, फिर हमने समझाया, फिर वो वैसे के वैसे हो गए, फिर ये डबल लुक के साथ ये मतलब चलता रहता है। तो डबल लुक लुक को बार बार करेक्ट करना पड़ता है, जैसे आर्क वालों को भी बार बार करेक्ट करेक्ट करना पड़ता है, डबल लुक वालों का भी ऐसा ही है, उनको बार बार करेक्ट करना पड़ता है, लेकिन मेनली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सरेंडर नहीं करते हैं ना, 100% उनका दिमाग अंदर से सरेंडर नहीं कर रहा है। नहीं वही अच्छे अच्छे फॉलोअर या अच्छे एग्जीक्यूटर हो सकते हैं, या तेजी से वो नई नई चीजें सीख सकते हैं, जो 100% सरेंडर करके फॉलो करे, लेकिन ये डबल लूप वाले वो नहीं कर पाते हैं ना, वो करना चाहे तो भी वो नहीं कर सकते, और उनका उनका दूसरा प्रॉब्लम होता है कि परफेक्ट करना है ना, वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, पहले राइट इधर से गूगल करेंगे, ये करेंगे, दो चार कोर्सेस करेंगे है ना, पीएचडी करेंगे, मास्टर डिग्री लेंगे, ये करेंगे, और बाद में डिग्री बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो जीरो है ना, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं कर राइट पाए, राइट क्योंकि अभी तैयारी में ही वो लगे हुए, तैयारी में ही उन्होंने सालों के सालों निकाल दिए।
और ये दूसरा रीजन ये है कि उनको परफेक्ट करना है, इस वजह से वो इंप्लीमेंट करने के मोड में नहीं जाते हैं। हम बहुत सारी चीजें बताते हैं लेकिन परफेक्शन के चक्कर में वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमें नहीं पता है कि परफेक्शन तो कभी आने वाला है नहीं। तो नहीं डबल लूप के साथ काम करना और आर्क वालों के साथ काम करना सबसे डिफिकल्ट मुझे लगा है ना। बहुत कम आते हैं हाँ, डबल क्योंकि लोग, बहुत आज कम आज होते का हैं। भी वैसे होता ना, एनी टाइम एक्सेप्टेंस करता है वो, आज का भी वही प्रॉब्लम हो जाता है, सही गलत हाँ हाँ बोलता है, और उसमें भी जो दो चीज लेनी चाहिए वो नहीं ले पाता। डबल लूप का प्रॉब्लम है कि वो पूरी तरह से सरेंडर नहीं करता, और आर्क का प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा सरेंडर करता है। समझ रहे हैं? ज्यादा सरेंडर मतलब एक्सेप्ट अभी करता अभी हमने कुछ समझा के भेजा तो वो पूरी तरह से मतलब 100% इस तरह से एनर्जी में आ गया कि नहीं अभी जाके पूरा कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही बाहर निकला और कोई और उसको मिल गया ना, तो वैसे ही वो उसकी बात में भी वहां पे भी सरेंडर है, कर देगा। जैसे जैसे हमारे पास सरेंडर कर दिया वहां पे भी कर देगा, और वो बात पूरी ऑपोजिट है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से चला जाएगा। मतलब जो भी सामने आएगा ना वैसा वो करने लगेगा। तो दोनों का सही तरीका बात। अलग अलग है। वो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता है, परफेक्ट करना है इसलिए वो नहीं कर पाता है। और ये बहुत ज्यादा सरेंडर कर रहा है ना, सभी जगह इतना सरेंडर कर रहा है, करना नहीं चाहिए, वहां भी कर रहा है सरेंडर, और इसकी वजह वहां से भी कर रहे हैं। वो नहीं कर पा रहा है ना। दोनों दोनों के रीजन अलग है। इस वजह से दोनों फोकस्ड होके काम नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते। एक डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और एक डाउट कर रहा है, एक डिस्ट्रैक्ट हो रहा है राइट और एक पूरी तरह से